हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे पल्सर 150 को मॉडिफाई कैसे करें। हैंडल में हमने मॉडिफाई किया हूं, उसी के बारे में वीडियो है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बाइक है पल्सर 150 बाइक। हमने जो काम किया हूं, सिर्फ हैंडल में काम किया हूं। ये पल्सर 150 बाइक में ये वाली हैंडल लगी हुई थी, तो हमने इसको हटा दिया हूँ। कस्टमर ने लाए थे फ्लिपकार्ट से ये हैंडल कि भाई ये हैंडल लगा दो। तो इसमें हमने काम क्या क्या किया हूँ वो बतलाना चाहता हूँ। ये जो आप टी देख रहे हैं, ये जो टी हमने इनके नाप से 3 सुराख करवाया हूँ। एक सुराख में इसलिए नहीं करवाया हूँ क्योंकि ये सुराख हमारा सही नहीं बैठ रहा था। ज़्यादा सुराख कराने की वजह से ये लॉक हमारा नहीं बैठेगा, लॉक भी टूट जाएगा। इसलिए हमने 3 ही सुराख किया हूँ। इधर से एलंकी नट दे करके, वाशर दे के तीनों को हम टाइट मार दिया हूँ। और इनमें जो आप देख रहे हैं, हमने सिर्फ इसमें सुराख किया हूँ। इनमें हम बाद में गुना भी बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन ये तीनों नट हमने टाइट मार दिया है। उनके बाद क्या किया हूँ, ये जो आप सॉकर देख रहे हैं, ये जो सॉकर हमने हल्का से इसे डाउन किया हूँ। ये ऊपर उठा हुआ रहता है लेकिन बैठ नहीं रहा था हैंडल, इसलिए हमने इसको हल्का सा डाउन किया हूँ, इधर भी और इधर भी। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। उनके बाद जब हमने ये स्विच लगाना चाहा, तो इनमें एक सुराख होती है। जैसे कि मैं बतला दूं, ये जो सुराख होती है इसी में हॉर्न स्विच सेल्फ स्विच टाइट होती है। तो इनमें सुराख नहीं था, तो हमने वेल्डिंग वाले के पास जाकर के सुराख किया हूँ। और सुराख कराने के बाद ये हमारा स्विच भी लॉक में बैठ गई है। उनके बाद जैसे इसमें सुराख बना हुआ है, ठीक इसी तरीका से इधर भी सुराख बना हुआ है। तो ये तो लग ही गया, ये भी लग गया। हमने इसे वेल्डिंग दोबारा से करवा लिया हूँ। ये हमारा टाइट मार दिया हूँ, इसमें कोई भी छलखानी नहीं किए हैं। और जितना भी सारा नट है, हमने सारा को टाइट मार दिया हूँ। सॉकर थोड़ा सा डाउन कर दिया हूँ। ये तीनों नट को टाइट कर दिया हूँ। बाद में कभी भी लेथवर के पास जाएंगे तो गुना के जरिए हम गुना बनवा लेंगे और नट को टाइट मार देंगे। चारों नट हमारा लग जाएगा। और आपको तो सारा चीज़ बतला दिया हूँ। ये नट एडजस्टर है, आप हैंडल को जितना मोड़ सकते हैं, जितना आगे पीछे कर सकते हैं, ये हमारा एडजस्टर है। बाकी और हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया हूँ, बस थोड़ा सा समय लगा है और ये हमारा मॉडिफाई हैंडल हो गया है। और बाइक हमने चला के भी देखा हूँ, बाइक अच्छी तरीके से चल रही है। बाइक चलाने में खुशी महसूस हो रहा है। तो अगर आपका भी शौक है तो आप भी हैंडल इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।